एक बार फिर नाकाम हुई पाक साजिश, बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने ढेर किया ड्रोन। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया। ये ड्रोन 12 किलो का था, जिसमें हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए। सर्दियों का मौसम आते ही सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं। बीएसएफ ने रविवार को पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करते हुए एक ड्रोन को ढेर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की कोशिश तस्करी करने की थी। ड्रोन से हीरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। अमृतसर जिले में रात करीब 9:15 में 12 किलो का यह ड्रोन घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे बॉर्डर आउटपोस्ट में बीएसएफ 22 बटालियन के जवानों ने मार गिराया। वहीं बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है। बीएसएफ के लिए पाकिस्तान की साजिश से निपटना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस तरह की गतिविधियों में तेजी आती है। बकौल अधिकारी, हमारे पास पाकिस्तानी की साजिश को नाकाम करने के लिए तकनीकी तैयार है और जल्द ही बॉर्डर पर और भी नए निगरानी उपकरण तैनात किए जाएंगे। कुछ समय से पाकिस्तान से ड्रोन की गतिविधि काफी बढ़ गई है। ये हमारे जवानों के लिए एक नया चैलेंज है। इसी तरह की घटना रात को ड्रोन की गतिविधि हुई, हमारे जवानों ने ड्रोन की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के दौरान हमारे जवानों ने 7 राउंड लाइव फायर किए। एक इलू बम फायर किया इलाके में रोशनी करने के लिए, जिससे कि ड्रोन को हिट हुआ और ड्रोन नीचे जमीन पे आके गिरा। हमारे जवानों ने इस इलाके को घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद 1 घंटे बाद हमने इलाके को सर्च किया। सर्च के दौरान एक ड्रोन जो कि पाकिस्तान से आया था और 2 किलो हेरोइन प्राप्त की है। ये ड्रोन की घटना हमारे लिए एक नया चैलेंज होता जा रहा है, लेकिन हमारे जवान सीमा पर काफ़ी अच्छे तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं। इस अच्छे काम के लिए जो है हमारे सीनियर ऑफिसरों ने काफ़ी इसका अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत बधाई दी है। DIG, IG और DG ने इन जवानों को जिन्होंने अच्छा काम किया है उचित पुरस्कार देने की घोषणा की है। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि अब आतंकियों के लिए सर्दियों की रातों में भी घुसपैठ नामुमकिन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज़।